मास्टर जी, मास्टर जी। क्या है? जल्दी चलिए, आपकी बहन गिर पड़ी। मेरी बहन? जी हाँ। विमला? जी हाँ, बहुत खून बह रहा है। अरे देखो तो इन लड़कों ने क्या क्या नया नया खेल निकाले हैं। बड़े बदमाश है साहब। देखो तो इस बेचारी को कितनी चोट लगी है और कितना खून बह रहा है। हटो तो, हटो। विमला, विमला, हालत बहुत नाजुक है रमेश। विमला, इसे जल्दी इस शहर के अस्पताल ले चलो। डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? हालत बहुत नाजुक बताते हैं चाचा। डॉक्टर लोग कहते हैं कि खून बहुत बह चुका है। विमला के जिस्म में फौरन खून पहुंचाने की जरूरत है। मैंने अपना खून देखने के लिए दे दिया है, देखें क्या होता है। मिस्टर रमेश? हा? आप मिस्टर रमेश हैं? जी हाँ। आप अपने बहन को देख सकते हैं, जाइए। विमला, विमला, मगर ये बात नहीं करती। ठीक है, आप जाइए। क्या हाल है रमेश? चाचा, कुछ समझ में नहीं आता चाचा। मिस्टर रमेश? हाँ? बड़े डॉक्टर साहब आपको बुलाते हैं। बेड नंबर 16 कैंसर, बेड नंबर 17 डिस्चार्ज। क्या नाम? विमला कुमारी। जी हाँ। तुम्हारी छोटी बहन है ना? जी हाँ। वेल, रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं आई। तुम्हारा खून देखा, मगर अफसोस है वो उसे नहीं दिया जा सकता। बच्ची को मुआफिक नहीं पड़ेगा। तुम्हें 50 रुपए खर्च करने होंगे खून खरीदने के लिए। 50 रुपए? हाँ। जरा ठहरिए सर, मैं देखता हूँ मेरा खून इसके मिजाज के मुआफिक है। सुनिए, मैं अपना खून दूंगा मुफ्त। मुफ्त? हाँ हाँ, आप फिक्र ना कीजिए। जैसे आपकी बहन है वैसे मेरी भी। मिस्टर रमेश, आप अपनी बहन को हंसता खेलता घर ले जाना चाहते हैं ना? जी हाँ, जरूर जरूर। वो देखिए, विमला। भैया। विमला, चलो घर चलें। Any case of transfusion, nurse? No, doctor. हाँ, तो तुम घर जा रही हो? अच्छा, जाओ जाओ। डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप ही ने मेरी बहन की जान बचाई। मैंने? अरे भाई, बचाने वाला तो वो परमात्मा है, लेकिन मेरे दोस्त, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। वो दुनिया जो हमेशा पैसा ही कमाने के लिए रहे, रहने के काबिल नहीं। अगर तुम सुखी रहना चाहते हो तो दूसरों के सुख के लिए जिंदा रहो। आप सच फरमाते हैं डॉक्टर साहब। खुश नसीब है वो भाई जिसे तुम जैसी प्यारी बहन मिली। अच्छा बताओ तो, तुम मुझे प्यार करोगी इतना ही जितना तुम अपने भाई को प्यार करती हो? क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर जरूर डॉक्टर साहब। गुड गुड। नमस्ते। नमस्ते। अरे शंकर, आओ आओ, अंदर आओ। कहो विमला कैसी है? भगवान की दया से अब तो बहुत अच्छी है। चाचा, ये हमारे शहर के दोस्त शंकर बाबू, बहुत बड़े वकील हैं। नमस्ते। 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 कहो बिमली, लंगड़ी हो गई? भगवान न करे। दिस इज आवर सिविलाइजेशन। इंडिया टुडे एंड टुमारो, वाह वाह। दुखिया भारत, ये बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर तुम इतने खो गए हो रमेश कि तुम्हें खबर ही नहीं कि तुम खुद क्या कर रहे हो। तुम हो के वही एक मामूली स्कूल मास्टर अब तक बने बैठे हो। क्यों भाई, क्या सारी उम्र स्कूल मास्टर ही रहने का इरादा है? क्यों, क्या हुआ? मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या खुश हो,
अभी तुम ही कह रहे थे कि वक्त पड़ा तो खून खरीदने के लिए 50 रुपए भी घर में ना निकले। रमेश याद है बचपन में हम कैसे ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखा करते थे, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन आज देखता हूं कि नसीब ने जो शुरू शुरू में तुम्हें बना दिया उसी पर शुक्र किए स्कूल मास्टर ही बने बैठे। मैं अपने लिए किस्मत को क्यों कोसूं? हाँ मेरी जगह कोई दूसरा होता तो कुछ कह भी सकता था, लेकिन अपने लिए मैं किस्मत में कोई खराबी नहीं पाता। कैसे पाओगे? अपनी जरूरतें मार ली हैं इसीलिए तुम्हें ज्यादा कमाने की ख्वाहिश नहीं है। अरे भाई मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं कि जो कुछ तुम कमाते हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हें कमाना चाहिए। क्यों? अच्छा ठहरो, तुम्हारे लिए अब जरूरतें पैदा करनी ही होंगी। मतलब? शादी करो। शादी? हाँ। मैं करूं? मुंह से एक दफा हाँ कहो फिर देखो, हजारों रिश्ते घर बैठे आ जाएंगे। हो सकता है कि देश में हर चीज का काल हो, मगर ये बता देता हूं कि काल नहीं है तो लड़कियों का। हाँ कहो और एक अदद बीवी तुम्हें फौरन ही मिल जाएगी। और भाई रमेश अगर तुम नाविलों के ढंग पर शादी करना चाहते हो तो भाई आंखें बंद करके किसी लड़की की मोहब्बत में कूद पड़ो। बस में कूद पड़ो? क्या कहा मोहब्बत? मोहब्बत? ना भाई ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे पास का रोग ही नहीं है। हाँ इनसे भी मोटी मोटी 10-20 हजार किताबें पढ़ने को कहो तैयार, 25-30 लाख आदमी में खड़े होकर तकरीर करने को कहो मंजूर, देश की खातिर 2-4-10 बरस कैद काट के आऊं ओके, मगर मोहब्बत? ना भाई ये मेरे बस का रोग नहीं है, मुझसे होगा ही नहीं ये काम मुझसे कभी मत कहना। हाँ मगर ये भी ख्याल मत करना कि मेरे दिल में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत है और करता हूं मगर अपनी छोटी नन्ही सी बहन से। सुना बिमला, तुम्हारे भैया क्या कह रहे हैं? ये कहें या ना कहें लेकिन मेरा दिल इसे खूब जानता है। हाँ भैया तुम्हें मालूम है शंकर भैया कल ही वापस शहर जा रहे हैं। वापस शहर जा रहे हैं? हाँ। अरे हाँ वो तो भूल ही गया, कोई शादी वादी का किस्सा कहने वक्त निकाल बैठे। अरे मारो गोली इस शादी वादी किस्सों में, तुम जा नहीं सकते। नहीं भाई मुझे काम है, मैं आऊंगा वादा करता हूँ रोज आऊंगा। अरे ठहरो ना। मगर दोस्त जब सिंगल से तुम डबल हो जाओगे।
वो चले गए? क्या तुम भी मेरी तरह उनके लिए बेचैन हो? हाँ भैया, लेकिन मैं कह रही थी कि ये नोट उनके? हाँ, मेज पर ही छोड़ गए। और मजे की बात ये कि मैंने उनसे कहा भी कि ये रुपए आपके हैं। बोले हाँ हाँ ले लूंगा। ये कहकर उन्होंने यहाँ रख दिए। मैंने फिर कहा कि आप भूल जाइएगा, उठा लीजिए, कहने लगे नहीं याद रहेगा। ये कहकर यहाँ रख दिए। मैं फिर गई, कहा शंकर भैया ये रुपए आपकी जेब में रख दूं? बोले नहीं नहीं मैं ले लूंगा। अब देखिए वो चले गए और रुपए यहीं पड़े रह गए। हाँ याद आया, रेल में सवार होते वक्त तुम्हारे नाम एक चिट्ठी दे गए। देखो क्या लिखते हैं। भूले से अगर रुपए रह गए हों तो बिमला वापस मत भेजना। अगर किसी की जेब में रुपए रखने से तुम्हें आनंद मिलता हो तो चुपके से ये रुपए अपने भैया की जेब में डाल देना। भैया तुम मुझे प्यार करते हो? बहुत। और शंकर भैया को भी? हाँ। लेकिन वो मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। वो कैसे? वो कुछ ना कुछ तुमको हमेशा देते ही रहते हैं और मैं तुमसे छीनती ही रहती हूँ। छीनती ही रहती हूँ। पगली कहेगी। बैठ बैठ बैठ, न्योले का समूह निकाला है, जाऊं लड़ाई के बाद पढ़ेंगे। ज्योग्राफिया हो गया, तवारीख भी याद है? जी हाँ। बता दो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई? हाँ। पानीपत। बस। और पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? दूसरी लड़ाई? पहली लड़ाई के बाद। इससे पहले बेंच पे कब खड़े हुए? आपकी जमात में। ओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कान पकड़ो और सुनो, ये पानीपत की लड़ाई का सबक 24 बार लिखकर मेरे घर पे लाओ। जी अच्छा। तुमने क्या सबक याद किया जी? ये क्या? रामू जल्दी आओ, मैं बाहर खड़ी हूँ। अरे ये पर्चा किसने फेंका है? कौन पता इसे क्या? स्कूल मास्टर से? जी हाँ। इसमें हंसने की क्या बात? इसलिए कि आप स्कूल मास्टर नहीं मालूम होते। तो फिर क्या मालूम होता? आप तो बहुत भले आदमी मालूम होते हैं। ओ, ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने जो कुछ किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, वो बात मुझे माफ कीजिए। माफी किसमें क्या? आप रामू को बुलाना चाहती हैं ना? जी। बेशक आप उसे ले जा सकती हैं। रामू? आप रामू को मारेंगे तो नहीं? जी आप क्या कह रही हैं, ये वाला हो सकता है कभी? ये देखिए, ये देखिए। अरे कान पकड़ने को तुझे किसने कहा? जा अपनी किताबें लेके आ। मैंने पहले ही कहा था कि आप स्कूल मास्टर नहीं मालूम होते, आप तो बहुत नरम दिल मालूम होते हैं। नरम दिल? नरम दिल ठीक नहीं, सख्त दिल भी हूँ। लेकिन इस वक्त कुछ, हाँ मैं क्या कह रहा था, रामू 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 आप उसको अभी ले जाना चाहती हैं ना? जी, बात यह है कि गांव में हम लोग बिल्कुल नए आए हैं और यह लड़का बेचारा हमारे बहुत काम आता है। आप इस गांव में पहली मतलब आई हैं? जी हाँ, बम गिरने के डर से पिताजी हमें शहर से यहाँ ले आए हैं। ओह, तो आप जिम्मेदार बाबू की लड़की हैं? जी हाँ। अच्छा, तो जब कभी रामू की जरूरत हुआ करे आप तो आपके पास चली आया करो। जी हाँ, मेरे पास चली आएगी जी। अच्छा, आपके पास चली आया करो जी। जी हाँ मास्टर जी, जाओ। हाँ जाओ। अच्छा नहीं, इधर जाओ। हेड मास्टर, जाता हूँ। जब कभी रामू की जरूरत हुआ करेगी तो मैं आपके पास चली आया करूंगी। भैया? हाँ। रामू आया है? रामू आया है? बुला 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 रामू को। आ रामू, आ जल्दी, आ इधर आ जा। मास्टर जी। हाँ। आज मैं सिर्फ 12 ही दफा लिख कर लाया हूँ और कल। इसकी कोई जरूरत नहीं अब? नहीं नहीं, कल जरूर। अरे मैं कहता हूँ कोई जरूरत नहीं। सवेरे जरा मैं नाराज था, अब खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मगर नहीं जानता क्यों खुश हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, अब रहने दो। लो मिठाई खाओ। ये एक,
ये दो, मुंह खोलो, ये तीन, जाओ भाग जाओ, चलो भाग जाओ। रामू की जब कभी जरूरत हुआ करेगी मैं आपके पास चली आया करूंगी। ये क्या है भैया? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो जरूर है। अरे मैं कहता हूँ कुछ नहीं, जाओ पानी का एक गिलास लाओ। पानी तो लाई हूं। ओ, ओ, पानी ले आई। अच्छा तो जाओ कुछ और ले आओ, जाओ जाओ कुछ और जो मिलता ले आओ। हाँ कुछ जरूर है। जिंदा मैं स्कूल जाता हूँ। किधर हो भैया? सिट डाउन, बैठो। हाँ आज क्या पढ़ाना है? तवारीख। और क्या सबक है आज का? तो कराज। हाँ तो बच्चों तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अशोक एक बहुत बड़ा राजा था। उसका राज हिमालय से लेकर और लंका तक था। और वो बड़ा धार्मिक और बड़ा धार्मिक और जी सुनती हो रमेश की चिट्ठी? क्या लिखा है? लिखता है, मेरे दोस्त तुम्हें याद होगा एक दिन मैंने कहा था कि मोहब्बत करना मेरा काम नहीं, मगर आज मेरी जिंदगी में एक नई और अनोखी बात हो गई। कुछ दिन हुए कि यहाँ एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई। अब दिल है कि बार बार उससे मिलने के लिए तड़पता रहता है। क्या इसी का नाम मोहब्बत है? दूसरी बात ये, स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते यकायक उसका ख्याल आकर मुझे ऐसा महव कर देता है कि मैं बेमौका बेमहल रुक जाता हूँ। ऐसा पहले कभी ना होता था। क्या इसी का नाम मोहब्बत है? तीसरे ये कि पहले मैं दिल की बात किसी से भी नहीं छुपाता था, मगर अब मैं उसके ख्याल को दिल में छुपाए रखता हूँ। उसकी बात किसी से नहीं कहता, दिल ही दिल में लुत्फ उठाता रहता हूँ। क्या इसी का नाम मोहब्बत है? क्यों जी, बार बार मिलने को दिल चाहना, पढ़ाते पढ़ाते बेमौका रुक जाना, दिल की बात हर एक से छुपाना, क्या इसी का नाम मोहब्बत है? तुम भला क्या जानो, मोहब्बत करते तो जानते है। जाओ एक दिन तुम भी बुरी तरह मोहब्बत में फंसोगे, मगर अपनी इस अभागी स्त्री की मोहब्बत में। क्या बात है? अभी बात क्या है बोलो? बात क्या है भैया, जिमीदार बाबू आ गए हैं। नया बगला पिछला सारा लगान इकट्ठा मांगता है। जी हाँ, कहता है कि तुम्हारे घरों को आग लगा दूंगा। और कहता है कि लगान नहीं दोगे तो हंटर मार मार के खान उतार लूंगा। अजी वो पाजी रोज आकर हमें डराता है और धमकाता है। सुन लिया चौधरी चाचा, बड़े आदमी तो बड़े आदमी, उनके नौकर उनसे भी चार जूते आगे जाते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? सुनो भैया, अब के अगर नायब आए तो साफ साफ कह देना कि जब होगा तब देंगे, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर वो आकर हमें मारे, हमारे घरों में आग लगा दे तो? अरे भाई सरकारी कानून भी तो कुछ चीज है। गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया है, शायद उसे ये नहीं मालूम। उसकी रूह से तुम लोगों से वो इकट्ठा लगान का रुपया नहीं ले सकता, इसलिए तुम लोग अपने अपने घरों में जाओ, आराम से बैठो। वो आएगा तो उससे मैं जरूर लूंगा। तो भैया तुम्हारा नाम ले दे? हाँ हाँ ले दो, मैं तो पहले ही कह चुका भाई, जिम्मेदार तो जिम्मेदार, गवर्नमेंट भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जाओ अपने अपने घरों में आराम से बैठो। चौधरी चाचा जरा बात करो, मैंने सुना तुम शहर जा रहे हो। हाँ हाँ। मैं चाहता हूँ कि इस कोर्ट को आप पेंशन दे दो और एक नया कोर्ट बनाऊ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो अपने तन को भी देखना चाहिए। लाख रुपए लाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़ा लेता हूँ। मैं अभी घर से लेके आता हूँ, तुम घर चलो। तो भूला नहीं? नहीं, मैं 3 बजे गाड़ी जाऊंगा। मैं अभी लाया। ना बहन, मेरे भैया के बारे में कुछ मत कहना। उनका क्या दोष, वो तो मुझे बहुत कुछ देना चाहते हैं, मगर मैं लेती ही नहीं और हमेशा उनसे कह देती हूँ मुझे जरूरत नहीं। वो कैसे दे सकती है, उन्हें तो तनख्वाह बहुत कम मिलती है। ये हाल देखा, मेरे पिताजी ने मुझे पिछले साल दिया था, तीसरी वाली पर वो मुझे चूड़ियां देंगे। हर अच्छा है ना? बहुत अच्छा। तुम्हारे भैया भला ऐसा हाथ दे सकते हैं? हाँ, जरा उनसे मांग कर तो देखो। और तो कुछ नहीं, लेकिन इतना कह देती हूँ अगर मैं मांगूंगी तो वो मुझे जरूर देंगे। हाँ देंगे। विमला, क्या है भैया? ये देख मैं तेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयां लाया हूँ। ओह, जा अपनी सब सहेलियों को बुला ला। मैं अभी चली, कहती थी तेरा भैया कुछ ला कर नहीं देता, मैं अभी सबको बुला कर लाती हूँ।
लाइन बांध कर खड़ी हो जाओ। चलो शाबाश, ठीक है, ये लो भाई तुम्हारा हिस्सा, ये लो तुम, और ये तुम लो, ये तुम लो, ये भी तुम्हारा हिस्सा ले भाई। काल तीन आप बिमला को? बिमला को कुछ नहीं मिलेगा, उसने बहुत बड़ा कसूर किया है। कसूर? हाँ बहुत बड़ा कसूर, और वो कसूर ये है कि वो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगती, इसलिए उसको सजा मिलेगी। सजा? सजा, और वो इतनी भारी सजा कि तुम लोग देख भी नहीं सकोगे, इसलिए दीवार की तरफ मुंह फेर लो, फेरो दीवार की तरफ मुंह कर लो, घूमो, तुम भी आंखें बंद करो, खबरदार कोई इस तरफ मत देखना। शाबाश, सजा मिल चुकी, अब घूमो। क्या सजा मिली? देखो ना गले में। कितना अच्छा हार है, भैया को नमस्ते करो, कितना अच्छा हार है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्षमा करना बहन, मुझसे भूल हुई। तुम सबको ये हार पसंद है ना? हाँ। घर में हो? अच्छा तुम लोग यहीं खेलो, मैं अभी आता हूँ। प्रेश, अरे अब तक रुपए नहीं भेजे, अरे जल्दी लाओ भाई, मुझे देर हो रही है। रुपए? हाँ। वो तो सारे किसी के गले मंड गए। हाँ तुम चाहते हो मैं कोट बनाऊँ? हाँ हाँ बनाऊंगा, मगर अगले साल। अगले साल? हाँ। तेरी मर्जी। क्या बात है भैया? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो चौधरी ये हार पसंद आया ना? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नामुमकिन नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन, यहाँ कुछ काम ही नहीं है सिवाय ये कि दिन भर बेकार पड़े मक्खियाँ मारते रहो। किया भी क्या जाए, शहद तो है नहीं, और तुम्हारे खानदान में बेटा गांव में बाहर निकलना बुरा समझा जाता है। कल तुम अकेली स्कूल तक चली गई, ये बहुत बुरी बात है। तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ निकलने की इजाजत दी है, अकेले नहीं, अब ऐसा ना करना बेटा। तुम तो ये कहोगी रामू की माँ ठीक ही कह रही है बेटी कृष्णा, यहाँ हम लोगों के फिरने फराने का एक तरीका है। रामू की माँ तुम तो जानती हो, मेरी बेटी ने शहर में तालीम पाई है, वो भला क्या जाने गांव की बातें। तुम घबराओ नहीं बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बेटी को यहाँ किसी तरह की तकलीफ ना हो। मैं जानती हूँ पिताजी। मेरी अच्छी बेटी। नहीं नहीं नहीं, जिम्मेदार बाबू लड़की आने वाली है, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। अरे भाई वो तो बागीचे में सैर करने के लिए आ रही है, और ये लोग बेचारे अंदर तालाब पे नहाने जा रहे हैं, इसमें उनका क्या हाल है? ये सब कुछ जिम्मेदार बाबू पूछो, जिनका हुक्म है। हटो हटो कार जाए। आप सैर करने के लिए आने वाली है ना, इसलिए ये लोग बेचारे तालाब पर नहाने के लिए नहीं जा सकते। अगर इन सब झगड़ा मेरे कारण है, इन सब को जाने दो। ये कैसे हो सकता है बेटा, इन्हें जाने दो। शुक्रिया। अच्छा बाप चलती हूँ। वो लेमन पसंद है ना? हाँ हाँ, मैं अभी तो कर लाती हूँ, आइए ना जरा मेरी मदद तो कीजिए। हाँ आइए ना। तो कहिए कहिए कृष्णा। ओ एक मिनट, क्या बात क्या है? जानू के लिए एक कमीज देने को कहा था ना, दो दूंगी। क्या मुसीबत है, मैंने इतनी बातें की मगर आप हैं कि हूँ हाँ इसके सिवा कुछ बोलते ही नहीं। बोलिए, क्या बात नहीं कर सकते, बोलना नहीं जानते? ठीक ये बात नहीं, लेकिन ऐसा क्यों होता है मैं कुछ कह नहीं सकता। उस दिन भी आपसे मुलाकात हुई तो कुछ बात ना कर सका,
फिर सोचा कि अब की मुलाकात होगी तो यूं कहूंगा, ये कहूंगा, यूं बातें करूंगा, लेकिन न जाने आपकी आंखों में क्या है। रामू की माँ, तुम्हारे लिए ले हूँ, बस रहने दो, अब तुम्हें लाना नहीं हूँ, मैं आप ही ले आई। कृष्णा जी। पिताजी। बेटा सुना है तुम फिर पढ़ना चाहती हो? जी हाँ पिताजी। मगर इस गांव में ये कैसे मुमकिन हो सकता है बेटा? मगर रामू की माँ ने एक बहुत अच्छा मास्टर ढूंढ निकाला है। अच्छा? हाँ। ओ, रामू की माँ जी, वो मास्टर कौन है? मास्टर रामू की माँ हमेशा भूल जाती है। तुम सब कुछ भूल जाती हो रामू की माँ, सब कुछ। तुमको दुकान से देने को कहा था ना, देंगे। मास्टर पढ़ाने के लिए? ओ हाँ हाँ हाँ, मास्टर वो कृष्णा को पढ़ा सकेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, उसका नाम क्या है? नाम देख लिया पिताजी, रामू की माँ को कुछ याद ही नहीं रहता। हरीश बाबू कहा था ना, हरीश, हरीश, हरीश। ओ हाँ हाँ हाँ, हरीश बाबू। अच्छा ठीक है, उसे बुला भेजो। तुम कितनी अच्छी हो रामू की माँ, कितनी अच्छी। ओ अब कहाँ चली? अब भी आई।
आइए आइए भैया। देखिए कौन आई है। कौन आई है? ओ आइए। नमस्ते। एक काम के लिए मैं आपके पास आई हूँ। कहिए। पिताजी चाहते हैं कि यहाँ रहकर मैं और पढ़ूँ। बहुत अच्छी बात है। और वो ये भी चाहते हैं कि आप ही मुझे पढ़ाएं। कुछ ऐसी बात नहीं, सिर्फ सुबह को 7 बजे से 9 बजे तक। ओ बहुत ठीक है, मगर एक शर्त पर। वो क्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं, नहीं, जी, मेरे घर में आपका ये नाम नहीं रहेगा। नाम होगा हरीश बाबू। हरीश बाबू? क्या बताऊं, पिताजी ने मुझसे आपका नाम पूछा, मुझे तो मालूम ना था, मैंने झट कह दिया हरीश बाबू। ओ तो ये कहिए कि मेरा इंतखाब आपने किया है, आपके पिताजी ने नहीं, ठीक है ना? कहिए, बोलिए। नमस्ते नायक। तुम कहते हो कि गांव भर में झगड़ा फसाद, रमेश स्कूल मास्टर ने मजा रखा है आपकी दया से। जी हाँ सरकार, आपकी दया से वही सब गांव वालों को बहकाता सिखलाता है और आपकी दया से उनसे कहता फिरता है कि तुम जरा बराबर फिक्र ना करो, मैं सब सुलट लूंगा, सरकारी कानून भी तो कोई चीज है। ये बात? जी हाँ सरकार, बढ़ाया आपकी दया से सरकारी कानून लेकर। सरकार आपकी दया से मैंने भी तो 12 साल से आपके यहाँ कलम चलाया है, तो घास नहीं काटी आपके यहाँ। जी हाँ, तो उस बदमाश को ठीक करना होगा। जी हाँ सरकार, जरूर आपकी दया से। लेकिन सरकार अगर आप इजाजत दें तो आपकी दया से मैं कम वक्त तो ऐसा समझ लूं कि जिंदगी भर ना भूल सके सरकार आपकी दया से। वो हमारी रैयत है ना। रैयत? जी हाँ सरकार आपकी दया से, लेकिन वो तो बिल्कुल। उसे एक मरतबा यहाँ बुला लाओ। बहुत अच्छा, आपकी दया से अभी उसे। वो आ गए। कौन? कृष्णा के मास्टर। ओ यही वो मास्टर है रामू की माँ? जी हाँ। अच्छा ठीक है। हरीश बाबू, हरीश बाबू, तो हाँ मैं ही हूँ हरीश। बैठिए बैठिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये बहुत अच्छे मास्टर हैं पिताजी, पढ़ाने में सच जाने एक हैं। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। वैसे तो ये गांव बहुत अच्छा है, मगर आजकल एक चीज है जो मुझे जरा तकलीफ दे रही है। यहाँ रमेश के स्कूल मास्टर है ना? जी हाँ है। आप उसे जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से। सुना है बुरा आदमी है। बुरा? अजी वैसा बुरा तो आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा। ओ तभी नायब कह रहा था वो मेरी रियाया को भड़का रहा है। सिर्फ भड़का ही नहीं रहा, बल्कि आपके घर में डाका मारने की कोशिश कर रहा है। डाका? जी हाँ, और एक बड़ी अनमोल चीज के लिए। डाका? और मेरे घर में? गोली मार दूंगा गोली। आखिर ये मैंने हट्टे कट्टे आदमी किस लिए पाल रखे हैं? डाके डाके में फर्क होता है जिम्मेदार बाबू। ये वो डाका है जिस डाके में गोली और बंदूक की आवाज नहीं, इसमें नौबत बजेगी, नौबत। हाँ? नौबत? ये मैं कुछ नहीं समझता, मगर इतना कह देता हूँ कि अगर उसने इधर का रुख किया तो छट्टी का खाया याद आ जाएगा। नायब, नायब वही वही। अरे वही कौन? जी वही तो। तुम्हें क्या हुआ? आपकी दया से होना क्या है, अभी तो आप कह रहे थे कि उस बदमाश रमेश को मजा चखाना होगा। हाँ? और अभी आप उससे हंसकर कर बातें कर रहे थे। वही तो है वो बदमाश रमेश। वो रमेश है? जी हाँ आपकी दया से। भाग बेटा रमेश। अरे आप भागते क्यों हैं? ठहरे ना। ठहरू तो तुम अच्छी तरह पहचान गए कि ये वही रमेश है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी दया से। तो आप रमेश हैं? जी हाँ। तो आप रमेश हैं? मैंने पहले ही कहा था वो बहुत बुरा आदमी। अच्छा, ऐसा बुरा आदमी दूर दूर तक नहीं मिलता। तो समझा। पिताजी। नायक, मेरे ख्याल में वो आदमी तो इतना बुरा नहीं। जी आपकी दया से। और पढ़ाने के बारे में भी कृष्णा कह रही थी कि एक है एक। जी अच्छा, अभी उसको पढ़ाने दो। लेकिन सुनो, तुम पहले ये मालूम करो कि कृष्णा ने उसे अपना मास्टर किस लिए बनाया, आखिर उसे सीखना क्या चाहती है। जरूर जरूर आपकी दया से। आपकी दया से यूं मालूम कि लेता हूं।
ये आप क्या कर रही हैं? आइए आइए बैठिए, खाइए खाइए। बड़ी अजीब सी बात है कि दो ही दिन की मुलाकात में आप ऐसी घुल मिल गई हैं कि मालूम होता आप इसी घर की हैं। हाँ, हो सकता है। ये लो रमेश की दूसरी चिट्ठी। आप कहाँ तक नौबत पहुंची? लिखता है, मेरे दोस्त, मोहब्बत के सिलसिले में ये मैं दूसरा खत लिख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरे दिल का भेद अब मुझ पर खुलता जा रहा है। दिल को एक नई जिंदगी मिल गई है जिसका नाम है कृष्णा। कृष्णा, और यही वो चीज है जिसके बिना मेरी जिंदगी अब तक बदमजा थी। ये नहीं कि उसके आ जाने से मेरा दिल दिमाग पढ़ने पढ़ाने से घबराता है या मेरी बहन की मोहब्बत में कोई फर्क आता है, नहीं, बल्कि मैं देखता हूं कि उसके बिना रमेश की तस्वीर अब तक अधूरी है। अधूरी क्यों जी? क्या मर्द की जिंदगी उस वक्त तक अधूरी ही रहती है जब तक उसके दिल की प्यारी उसे मिल नहीं जाती? बेशक, मगर तुम्हें इसकी क्या तमीज, तुम्हें तो मैं सस्ती मिल गई हूं ना। वही तो, चले जाइए। कौन? ओह, तुम ही हो, 2 बज गए जरूर तुम ही हो। तुम्हारे प्यारे प्यारे नाजुक पांव की आहट बता रही है तुम ही हो कृष्णा। सुन लिया, अभी और देखिए। चुपो ना चुपो ना चुपो ना, चुपो ना चुपो ना वो प्यारी सजनिया, हमसे चुपो ना चुपो ना। बाकी रसीली हमारी सजनिया, हमसे छुपो ना छुपो ना, सजन से छुपो ना वो प्यारी सजनिया, हमसे छुपो ना छुपो ना। नमस्ते नायब जी, हमें इसका जवाब देना होगा, आप भी ध्यान। समय बाबू,
कृष्णा, गजब हो गया, तुम्हारे पिताजी को सब मालूम हो गया। मैं जानती हूँ, पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? हाँ। क्यों? ये मैं नहीं जानती। आइए मेरे साथ घर चलिए। पंडित बद्रीनाथ के लड़के हो? जी पंडित जी, न्याय शास्त्र के बड़े तर शहर में रहता हूँ, इसलिए गांव की बातें जरा कम जानता हूँ। जी हाँ, जहाँ तक मुझे पता चला है, ये बात तो पक्की है कि अगर तुम्हारे साथ मेरी लड़की के ब्याह की बातचीत की जाए तो तुम दोनों को कोई इतराज नहीं हो सकता। अच्छा, मैं खुद ही रिश्ता तजवीज करता हूँ। कुछ कहना है? देखिए, दुनिया में सिवाय छोटी बहन के मेरा और कोई नहीं। उसने आपकी लड़की को देखा है और जिस दिन से देखा है उन्हें वो बहुत चाहती है, दिल से प्यार करती है। उसे जब मालूम होगा कि उसकी भाभी बनेगी और हमारे घर में आके रहेंगी तो उसे बहुत खुशी होगी। हाँ, ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि तुम्हारी बहन मेरी लड़की को इतना प्यार करती है। लेकिन हाँ, रहने सहने के बारे में ये है कि ब्याह के बाद कृष्णा तुम्हारे घर जाकर नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हें हमारे घर में आकर रहना होगा। वो क्यों? इसलिए कि मेरी लड़की बड़े लाड प्यार से पली है, हमेशा धन दौलत से खेलती रही है, और तुम्हारी माली हालत ऐसी नहीं जिससे मैं ये समझूं कि मेरी लड़की तुम्हारे यहाँ जाकर सुखी रहेगी। तो आपका ये ख्याल है कि इसमें कोई बेइज्जती नहीं? कुछ नहीं, हर ऊंचे घराने में यही होता है। तो आपका ये मतलब है कि मैं और मेरी बहन दोनों आपके यहाँ आकर रहें? नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कोई सारे कुंबे को साथ लेकर नहीं आता, तुम्हारी बहन तुम्हारे किसी रिश्तेदार के यहाँ जाकर रहे। ओ, और मैं आपके दौलत खाने में आकर रहूं? हाँ हाँ, यहाँ की हर चीज तुम्हारी होगी। ठीक है, लेकिन सुनिए, शादी हो या ना हो, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि वो शख्स जो मुझे इस किस्म का वैश्याना मसला दे कि मैं तो रहूं ऊंचे ऊंचे महलों में और मेरी बहन किसी और जगह रहे, काश के ऐसे आदमी से मेरी मुलाकात ना होती। रमेश बाबू, और ये भी सुन लीजिए, जितने आप लोग अमीर हैं उतने दिल के छोटे भी हैं। रमेश, आपने जो कुछ कहा उसके लिए मैं आपकी लड़की को कोई दोष नहीं देता। हाँ, अगर किसी दिन इस काबिल होऊंगा कि आपकी लड़की के लिए एक अच्छा सा घर बना सकूं तो जरूर हाजिर होऊंगा, लेकिन इस वक्त एक मिनट के लिए मैं ऐसी जगह ठहरने को तैयार नहीं हूँ जहाँ मेरी बहन को मुझसे जुदा करने का ख्याल तक भी किया जाए। यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ, मेरा ये आखिरी फैसला है। दुकान से जो कपड़ा मोल लेने के लिए तुमने कहा था ना, तो उससे मैं कुछ नहीं लाई। उधार तो वो जरूर देता है, मगर जब मैं गई तो कमबख्त कहता है कि खरीद तो रही है मगर तेरा भैया वक्त का पैसे भी दे सकेगा। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने भी आज इसे दिल खोल कर सुनाई और खूब लड़ी,
और वो चाहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं। लेकिन भैया वो बुढ़ा माधव है ना, वो बहुत अच्छा है, उधार तो वो नहीं देता, मगर भैया वो हमेशा सच तो यही कहता है कि गांव भर में अगर कोई दिल वाला है तो रमेश बाबू, दिल का राजा है राजा। भैया जब पैसे होंगे ना तो मैं उसे क्या क्या खरीदूंगी। और वो चाहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं। भैया तुम खफा हो गए कि मैं बाबूलाल से लड़के आई हूँ, बोलो बोलो भैया। वो चाहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं, अपने से अलहदा कर दूं। ये तुम क्या कह रहे हो? प्रेम, मोहब्बत, जो कुछ भी सही, दुनिया की कोई ताकत मुझसे मेरी बहन को जुदा नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं। पिताजी, पिताजी, क्या इसीलिए वो वहां से बिगड़ कर चले गए? हाँ बेटा। आपने मुझे पहले क्यों ना बताया, पहले क्यों ना बताया, पहले क्यों ना बताया? कलकत्ते चले गए बेटी। क्यों? परमात्मा ही जाने वो क्यों एकदम यहाँ से चला गया। कहता था कि चाचा इस दुनिया में रुपया पैसा ही सब कुछ है, आदमी का कोई मान नहीं। और कहता था कि चाचा अब तो धन दौलत ही कमाकर वापस लौटूंगा। कलकत्ते चले गए? हाँ, शंकर लाल के वहां ठहरा होगा। कलकत्ते चले गए? शंकर अपनी वो ख्याली दुनिया के मैं शादी करूंगा, प्रेम करने वाली स्त्री घर में लाऊंगा, ये होगा वो होगा, आज सब खत्म हो गया। दिल की आरजुएं हसरतें सब दिल की दिल में ही रह गई। भाई माफ करना, मैंने तुझे खामखा रोक रखा है, जाओ अंदर जाओ, बहुत रात हो गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बैठो।